नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रणी स्टडी के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। साइंस रिपोर्टर दिसंबर सीरीज में आते हुए हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। साइंस रिपोर्टर में इसके पहले मैंने हर मंथ के वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको अपने पेनड्राइव कोर्सेज के बारे में बता दूं, जो StudyIQ प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। 18 अप्रैल तक जो भी पेनड्राइव कोर्स है उसमें 50% का ऑफ है दोस्तों। जो सारे एग्जाम्स के लिए, कुछ नए एग्जाम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनके पेनड्राइव कोर्सेज नाबार्ड के लिए है, UGC नेट के लिए है, अलग प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। 16 दोस्तों SSC, UPSC, स्टेट PCS, RBI, UPSC ऑप्शनल, डिफरेंट टीचिंग एग्जाम, लॉ एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम, SSC JEE, रेलवे कोर्सेज और साथ ही साथ StudyIQ के टेस्ट सीरीजेस भी अवेलेबल है। पढ़ाओ में दोस्तों, पहले शुरू करते समय मैं आपको दिसंबर 2017 से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं, जो साइंस रिपोर्टर में हमारे काम के हैं, जो हमें जानने चाहिए, जहां पे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने चाहिए। एक तो दोस्तों इल्यूमिनेटिंग इंडिया के बारे में है, जो साइंस म्यूजियम जो लंदन में 6 महीने के लिए एक इनॉग्रेशन है, एक तरह का एक छोटा सा सिंपोजियम है जो ऑर्गेनाइज हुआ है अभी, जो मार्च में खत्म होगा, मार्च 2018 में खत्म हो चुका है। इवन इंडियाज कंट्रीब्यूशन जो लीगो डिस्कवरी को लेकर है, उसमें क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो भारत की तरफ से आया है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा ईवा कूल, जो कि बहुत ही सस्ता एयर कंडीशन है, एयर कूलिंग है, जो हमने बनाया है दोस्तों, हमारे IIT के एक बहुत ही मतलब छोटे से वैज्ञानिक ने बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। साइबॉर्ग क्या है, आजकल दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है, शायद आप भी हाल ही में स्टीफन हॉकिंस की डेथ के बाद साइबॉर्ग फिर से चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जितने भी सेंसेशंस होते थे, वो न्यूरल लिंक करके एक चीज होती है, फिलहाल अभी वो चीज़ और एडवांस होंगी, उसके थ्रू उनके सारे के सारे कैरेक्टर्स जो उनके थॉट्स थे वो स्क्रीन पर आते थे। इसके अलावा इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2017 ISF 2017 के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या आर्टिकल है। जो रिपल्स होते हैं, इलोसिव रिपल्स, जो फैब्रिक यूनिवर्स को लेकर, जिसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया है, जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं, क्या एस्पेक्ट ऐसा है ग्रेविटेशनल वेव को लेकर। फ्रूट फ्लाई के रिसर्च के बारे में, जहाँ पर उसमें होने वाले बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए जो नोबेल प्राइज वगैरह दिया गया। इसके अलावा दोस्तों और आगे बढ़ते हुए जो मेडिसिन, ये नोबेल प्राइज मेडिसिन का दोस्तों, इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज देखें तो क्रायो माइक्रोस्कोपी, जिसको कूल माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री का है, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। और प्लस इस सब में चलते समय दोस्तों हम वेगर के बारे में बात करेंगे, एक वेगर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेके एक ऐसा मिशन, स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो स्पेस में अभी भी जा रहा है। आइए इन सबको चर्चा करते हुए दोस्तों कड़ी में आगे बढ़ते हुए पहला आर्टिकल हमारा है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इल्यूमिनेटिंग इंडिया साइंस म्यूजियम लंदन, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है हाल ही में, जो 6 महीने का एक छोटा सा म्यूजियम जो हम मतलब यहाँ पे चला रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बारे में पहले बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि 3 अक्टूबर 2017 को ये म्यूजियम जो है लंदन में, साइंस म्यूजियम जो है वो है, जो स्थापित है, जो मतलब लाया गया है, कल्चरल एक प्रोग्राम भी है इसमें। यह ब्रिटिश काउंसिल, UK और इंडिया का एक कल्चर प्रोग्राम है, कल्चरल एक्टिविटी है जो मैं बोल रहा हूँ, जो इसका इनॉग्रेशन है, जिसको इसने फाइनलाइज किया, वो ईरान बेडफर्ड जो साइंस म्यूजियम के डायरेक्टर भी हैं ग्रुप के, और साथ ही साथ जो डैम मैरी आर्चर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, इसके चेयरमैन हैं, इन्होंने मिलकर ये डिक्लेयर किया है। एक इल्यूमिनेटिंग इंडिया एग्जीबिशन है जो शुरू किया गया है, जो पूरे 6 महीनों के लिए होगा, इवन हो चुका है ये पूरी तरह से। अब अगर देखें 31 मार्च 2018 को ये खत्म है, हो चुका है ये पूरे 6 मंथ का था, जहां पर पूरी तरह से हमने किस तरह को शाइन करने की बात की है कि जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मैथमेटिक्स में, वो दुनिया वालों को बताने की बात हुई है। इवन 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, उसके बाद भी इंडिया और जो लंदन, इनके बीच जो ब्रिटेन जो है, इनके बीच के कोलेबोरेशन हैं जो एजुकेशन को लेकर भारत के साथ हुआ है दोस्तों, जहाँ पे इंडिया को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इंडिया के शोध को साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स से पॉइंट याद रखेगा। इंडिया का लीगो में जो नया डिस्कवरी है वो क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में एक इंफॉर्मेशन आया है जहाँ लीगो और विर्गो कोलैबोरेशन, शायद आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले 20 महीनों में अगर हम देखें तो कई बार अगर देखें तो इस तरह के
कन्फर्मेशंस हो गए हैं कि ग्रेविटेशनल तरंगे जो होती हैं उनका एग्जिस्टेंस है. इसमें करीब 40 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनमें से 13 इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हैं, मतलब जिनके थ्रू इस चीज़ के बारे में पुष्टि हुई है. और सबसे पहले जो आपको शायद पता होगा, जो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में जानकारी हुई थी वो दो न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से होने वाला जो ग्रेविटेशनल वेव था उसके बारे में खोज की गई थी. डेविड रेडजे जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो लीगो लेबोरेटरी के हैं, ओके, इन्होंने इसके पहले भी डिटेक्शन किया हुआ ब्लैक होल के मर्जर से जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होते हैं उसके बारे में. यहाँ पर यूएस बेस्ड जो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे हम ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करते हैं, ये विर्गो के साथ मिलकर, विर्गो जो कि इटली का एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जहाँ ग्रेविटेशनल वेव को चेक करते हैं, ये विर्गो इटली का, इन दोनों ने मिलकर 5वीं बार ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी की है, जानकारी प्राप्त की है, जिसे 17 अगस्त 2017 को ऐसा इंफॉर्मेशन आया है. और ये जो 17 अगस्त 2017 को आया है, ये जो ग्रेविटेशनल वेव है दो न्यूट्रॉन स्टार्स के भिड़ने की वजह से ऐसे वेव्स थे जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थे, जिसकी स्टडी हमने इन दोनों कोलैबोरेशन की मदद से की है. फिलहाल ग्रेविटेशनल वेव में मैंने आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बताया है. ग्रेविटेशनल वेव के बारे में मैं भी आगे आपसे बात करूंगा जब मैं आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज पढ़ाऊंगा. तो यहाँ सिर्फ इतना एक इन्फॉर्मेशन देकर मैं आगे बढ़ता हूँ. आपको लीगो वर्गो सबके बारे में आपको ठीक से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस बार आपके पेपर में कहीं ना कहीं इवन आने वाले सालों में भी ग्रेविटेशनल वेव आपके पेपर में होना चाहिए, क्योंकि साल का नोबेल प्राइज 2017 का नोबेल प्राइज भी इसीलिए है. इवा कूल की बात करते हैं जो कि सबसे लो कॉस्ट इवापोरेटिव एयर कूलिंग है सोल्यूशन है जो आईआईटी रुड़की के एक स्टूडेंट्स ने बनाया है, जैसे इवा कूल का नाम दिया है, जो लो कॉस्ट इवापोरेटिव एयर कूलिंग सोल्यूशन है. तो मैंने आपको पहले बोला था बहुत ही सस्ता है. और ऐसा करते हैं दोस्तों, ये तकरीबन जो भी आपके अगल बगल का टेम्परेचर होगा उससे 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये कम कर देगा. इवन अगर इसके बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम लेता है, तकरीबन 65 to 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी लेता है जो कि एक फैन के बराबर होता है. मिस्टर राजा जैन जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मिसेस निमिषा गुप्ता जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की की, इन्होंने मिलकर इस तरह के रिसर्च किए हैं और इनके लिए एक गो ग्रीन सिटी अवार्ड 2017 जो जिसके ये लोग फाइनल विनर भी रहे हैं अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए. तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है फिलहाल उन कंट्री के लिए, भारत जैसे कंट्रीज के लिए जहां लोग गर्मी में काफी परेशान होते हैं. तो एक सस्ता से एवा कूल करके एयर कंडीशन, तो अगर प्रॉपर ना बोलें तो इसका नाम एवा कूल रखा गया जो कि लो कॉस्ट है और यहाँ पे रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर करता है. मैंने आपको बोला है तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये आपके अगल बगल से कम कर देता है. सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही सस्ता है, इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो तकरीबन ₹4,000 के आसपास है. तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है. इसमें किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं निकलता है, इसलिए पूरी तरह से ये हरित है, यानी ग्रीनर सोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा. साइबॉर्ग के बारे में बात करते हैं. साइबॉर्ग आपके मेंस के लिए भी बड़ा सा प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है. जैसा मैंने भी आपको बोला, स्टीफन हॉकिंस जिस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन देते थे, ये मैंने स्टीफन हॉकिंस का पूरा बॉडी जो था तकरीबन वो पैरालिसिस था, पैरालाइज था, उसके बाद भी वो सारी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया करते थे, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं साइबॉर्ग है. साइबॉर्ग के बैकग्राउंड में जाते दोस्तों, साइबॉर्ग इस बार के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन हो सकता है. साइबॉर्ग शब्द के बारे में बात करें तो 1960 में सबसे पहले साइबॉर्ग के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था मैनफ्रेड क्लाइंस और नाथन एस क्लाइन. इन लोगों ने मिलकर एक मैन मशीन प्रणाली का डेवलपमेंट किया था. वो मैन मशीन प्रणाली आगे चलकर साइबॉर्ग के नाम से जाना गया. साइबॉर्ग को अगर हम देखें तो साइबॉर्ग का पूरा नाम होता है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म. साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर इमेजरी ऑर्गेनिज्म बट एन ऑर्गेनिज्म. एक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें बायो मैकेनोट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स होते हैं. बायो मैकेनोट्रॉनिक का मतलब होता है जो बायोलॉजी के साथ एक मशीन कनेक्ट होती है, इसीलिए इसमें नाम दिया गया बायो और मैकेनोट्रॉनिक्स, यानी बायोलॉजी के साथ एक मशीन को कनेक्ट करके हम काम कराते हैं. यहाँ पर अगर इस मशीन को देखें साइबरनेटिक्स में तो आधा ह्यूमन और आधा मशीन की तरह होता है. कुछ पिक्स मैं यहाँ लेकर आया हूँ जिन पिक्चर्स को मैं आपको दिखाऊंगा. अगर आपको कॉकलिया वगैरह है, मतलब कान में प्रॉब्लम है, या हार्ट के जो पेसमेकर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह होते हैं, ये भी एक तरह से अगर हम देखें तो जो लोगों की हम मदद कर रहे हैं कॉकलियर इम्प्लांट्स करके जो कान में सुनने के लिए जरूरी होता है, कार्डियक पेसमेकर अगर की प्रॉब्लम है तो ये भी एक तरह का साइबॉर्ग मशीन है. कॉन्टेक्ट लेंस और डिफरेंट तरह के जो हम लाइफ को सेवियर मतलब ईजी बनाने के लिए जो चीज़ों को इम्प्लांट करते हैं, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं मशीन है जो ह्यूमन के साथ मिलकर ह्यूमन के साथ काम करता है.
साइबॉर्ग की अगर हम स्टडी पर जाएं तो साइबॉर्ग के बारे में 1997 में फिलिप कैनेडी एक साइंटिस्ट हैं और फिजिशियन भी हैं जिन्होंने दुनिया का पहला ह्यूमन साइबॉर्ग बनाया। जॉनी रे के अंदर उन्होंने इस तरह का काम किया, जो शख्स जो था वो स्ट्रोक से स्ट्रोक ही ऑलरेडी सफर विद द स्ट्रोक, और उसके अंदर क्या किया कैनेडी ने एक इम्प्लांट किया, एक न्यूरोट्रॉफिक इलेक्ट्रोड। ओके, एक न्यूरोट्रॉफिक इलेक्ट्रोड एक तरह की मशीन, एक डिवाइस है दोस्तों, जो उनके उनके ब्रेन में क्या किया गया, रेस के ब्रेन में इम्प्लांट किया गया, और उसके बाद उनकी बॉडी जो थी उनकी बॉडी में कुछ मूवमेंट कराए गए। इवन वो शख्स ज्यादा दिन तक तो नहीं चल पाए, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सर्जरी इवेंट सक्सेसफुली, बट इन 2002 में उनकी डेथ हो गई। फिर भी दोस्तों अगर हम देखें तो तकरीबन 5-6 साल हमने इस तरीके से किसी बंदे को जिसको स्ट्रोक हो गया है उसके बाद भी हमने उसकी लाइफ को बचाई है, तो ये कहीं ना कहीं साइबॉर्ग का एक कमिंग फ्यूचर है जो बताता है। आगे दोस्तों इसके आगे आगे बढ़ते हैं, कैनेडी के बाद अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। 1998 में जो रिपोर्ट आया केविन वार्विक, जो कि साइबरनेटिक प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, जो मतलब एक पाइनियर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने न्यूरोसर्जिकल इम्प्लांटेशन, ओके, एक डिवाइस है जिसको इन्होंने नर्व के अंदर फिट किया लेफ्ट आर्म की तरफ, ठीक है, नर्व्स ऑफ हिज लेफ्ट आर्म की तरफ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली कंप्यूटर पर डिस्प्ले करके देखा। यानी कहने की बात है आपके ब्रेन में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस चीजों को न्यूरोसर्जिकल इम्प्लांटेशन के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पे लाकर दिखाना, यानी आप जो सोचते हैं जो चीजें आप समझते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह के भी काम को केविन वार्विक ने किया गया, जो कि पूरी तरह से ये भी एक साइबॉर्ग का एग्जाम्पल है। 2004 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आया जिसको हम नील हार्बिसन के अंदर, एक ऐसा आर्टिस्ट है जो जो जिसकी बर्थ हुई है और जो शुरुआत से ही दोस्तों एक्रोमेटोपेशिया से ग्रसित है। एक्रोमेटोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सीवियर कलर ब्लाइंडनेस होता है, और यहाँ इस शख्स के अंदर एक साइबॉर्ग का यूज किया गया, और साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी का यूज कर इस शख्स के अंदर क्या हुआ, इस शख्स को जो कलर मतलब आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्ट होता था, ये आसानी से कलर आइडेंटिफिकेशन को सेपरेट कर सकता है, लाल हरा इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इनको क्लियर कर सकता है। इसके लिए उसके स्कल में भी, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं, एक एंटीना लगाया गया, और उस एंटीना की मदद से इस शख्स को कलर आइडेंटिफिकेशन इस तरह की चीजों में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये पहला ऐसा ह्यूमन है जो साइबॉर्ग है जिसको किसी गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब और लीगलाइज भी किया है। इसके पहले जितनी भी चीजें हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं, सिर्फ एक अनुसंधान है। यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साइबॉर्ग के हैं जो लेकर आए हैं, डॉक्टर केविन वलेक जो शख्स हैं, ये प्रोजेक्ट साइबॉर्ग को शुरू करने वाले शख्स हैं, जो केविन डॉक्टर केविन वीआरवी की आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे जेसे सुल्वियन एक ऐसा शख्स है जिसके पास आप हाथ में देखिए ये बायोनिक आर्म्स देख सकते हैं, और ये उस शख्स के बारे में नील हार्बिसन के बारे में जो कि फाउंडर ऑफ साइबॉर्ग फाउंडेशन है विद परमानेंट इम्प्लांटेड एंटीना, जो यहाँ पर क्या किया इसके आप आंख के पास देखिए ऐसा एंटीना लगाया गया है जिसको इसके पीछे यहाँ पीछे स्कल से कनेक्ट कर दिया गया। वो फोटोग्राफ यहाँ मैं आपको नहीं दिखा सकता, इस फोटो में ऐसा नहीं है। ये सारी पिक्स जो है वो साइंस रिपोर्टर से ली गई है जो आर्टिकल साइंस रिपोर्टर में रहे हैं। इसकी मदद से कलर ब्लाइंड होने के बाद भी कलर आइडेंटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। साइबॉर्ग के बारे में बात करें तो भविष्य जो है डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छा भविष्य है। इसके बारे में बात करते हैं, साइबॉर्ग जो है एक तरह से इसका फ्यूचर अच्छा है। अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह के बायोनिक ईयर्स, बायोनिक आईज, इन चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं। जो लोग अंधे हैं या नहीं सुन सकते हैं जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट्स, तो ये जो मशीन्स और जो छोटी छोटी चीजें बॉडी के अंदर लगाई जाती हैं जो बॉडी के साथ बायोलॉजी के साथ काम करती हैं, जैसे इंसुलिन पंप जो होता है जो शरीर के अंदर हम लगा सकते हैं, जैसे डायबिटिक लोग जो सफर करते हैं उनको उस समस्या से हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्थेटिक वगैरह जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी हम उन जरूरत की चीजें बना सकते हैं। फाइन, दूसरा दोस्तों 2016 में बहुत बड़ा एक ऐसा न्यूज आया सामने जहां पे पहली बार साइबॉर्ग ओलंपिक कराएगा। तो जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं, जिनके जिनके बॉडी पार्ट्स नहीं हैं या इस तरह की चीजें जो मशीन की चीजों को अपने साथ बॉडी से कनेक्ट करके, आपने शायद एक मूवी देखा होगा स्पाइडरमैन में, आई डोंट नो दैट इज सीरीज 2 या सीरीज 3, मुझे बिल्कुल इसमें बताइएगा इस वीडियो में, मेरे ख्याल से वो सीरीज 3 है शायद, जहाँ पे बॉडी में पीछे से देखा होगा वो जो विलन होता है उसके बॉडी में आर्म्स निकले होते हैं। ओके, तो इंसान यानी बायोलॉजिस्ट, आर्म यानी मशीन मिलकर वो काम करता है, तो भाई एक साइबॉर्ग का एग्जाम्पल होगा। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पहला साइबॉर्ग ओलंपिक हुआ साइथलॉन में,
साइ जिसका नाम था साइबेथलॉन 2016, ये पहला ओलंपिक साइबॉर्ग है जो दुनिया में पहली बार कराया गया साइबॉर्ग स्पोर्ट्स को लेकर. फाइन, तो ये नाम याद रखना, साइबेथलॉन क्या है 2016. ये दोस्तों ये वो पिक है जो मैं आपको बताने की बात कर रहा था, जहाँ पे साइबॉर्ग को लेकर साइबेथलॉन करके जो एक ओलंपिक हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे सारे के सारे साइबॉर्ग हैं, ये सारे के सारे साइबॉर्ग हैं. तो इस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आगे दोस्तों बात करते हैं स्पेस एक्स और टेस्ला सीईओ के, जो टेस्ला मोटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने भी बोला कि मैं एक इस तरह का साइबॉर्ग डेवलप करूंगा जिसका नाम उन्होंने न्यूरल लिंक बोला. तो ये एक पिक्स भी है जो साइंस रिपोर्टर ने दी रखी है एलन मस्क का, उसके ऊपर न्यूरल लिंक लिखा हुआ है. न्यूरल लिंक क्या है? एक तरह का एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जहाँ मस्क का ये कहना है कि माइक्रॉन साइज का एक डिवाइस होगा जो हम ब्रेन के साथ लिंक कर देंगे और उस ब्रेन को मशीन के साथ कनेक्ट करके हम उसके थ्रू बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं. अगर ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई इस तरह का कोई अजीब सा सिम्टम या स्ट्रोक टाइप की चीजें, पैरालिसिस या मेमोरी लॉस जैसे बूढ़े होने पर इस तरह की समस्या जब आती है, तो उसके पहले जो ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरा लिंक होगा वो सारे सेंसेशन करके हमें बता देगा कि इस शख्स को पैरालिसिस का केस बन रहा है या स्ट्रोक का. क्योंकि जब स्ट्रोक या पैरालिसिस ऐसे केसेस आते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन न्यूरॉन उन एक्टिविटीज की वजह से हम इन चीजों को होने के पहले ही समझ जाएंगे और हम लाइफ को बचा सकते हैं. तो एक तरह से न्यूरा लिंक करके एक ऐसा वेंचर होगा जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की तरह काम करेगा और जो हमें बहुत सारा इस तरह की समस्या होने से पहले हमें इंफॉर्मेशन दे देगा. ऐसा कहना है कि 2021 तक ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी. देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है. और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं जो हम समय के साथ साइबॉर्ग में लाएंगे. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवें टॉपिक पर आते हैं. इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 2017 में हुआ, ये जिसको आप IISF के नाम से जानते हैं, 13 अक्टूबर 2017 को अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में ये जो साइंस फेस्टिवल है ये कराया गया, ऑर्गेनाइज हुआ दोस्तों, जिसका जो कोऑर्डिनेट किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस ओशन टेक्नोलॉजी के साथ ये कोऑर्डिनेट है. इसका जो थीम है, उसका थीम का नाम है साइंस फॉर न्यू इंडिया. इसका पूरा का पूरा जो साइंस फॉर द न्यू इंडिया का यहाँ पूरी तरह से मतलब होता है दोस्तों, जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ है, उसके साथ मिलकर काम करना है. बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, इसके थ्रू बूस्टअप करने की बात करनी है. तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे. ये समिट जो है, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारे साइंटिस्ट को है ना एक समझ डेवलप करना, तकनीकियां वगैरह जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको काफी हद तक लोगों को जानकारी देना और काफी हद तक इस तरह के जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनमें हेल्थ इशूज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल के साथ कुछ ऐसे रिसर्च और ऐसी चीजें जो हुई हैं वो सामने आएंगी. ओके, और जिसकी जिसकी जिसमें स्पेशली यंगर जनरेशन जो है, जो यूथ है, जो नए साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, उनको एक तरह से एक प्रेरणा मिलेगी जिससे वो नया अनुसंधान करेंगे. इसमें एक जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है ISF में, जिसको हम कहते हैं साइपोक के नाम से जानते हैं. साइपोक ISF के अंदर एक प्रोग्राम है, ओके, जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर चलाया भी है, सेंसिटाइजिंग यू टू फ्लैगशिप प्रोग्राम ओके ऑफ गवर्नमेंट. ये जो है एक एफर्ट है जो ISF के अंदर लिया गया. इसके अंदर करना क्या है कि जो यंगर जनरेशन है उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज को सक्सेस करने के लिए, ओके, उनसे जुड़े जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको सक्सेस करने के लिए एक तरह से प्रेरणा दी गई, जिसके बेसिस पर जैसे भारत का जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और क्लाइमेट के इंफॉर्मेशन को लेके ये डिफरेंट तरह के साइंस में डिफरेंट तरह के थॉट्स डेवलप किए जाएंगे, डिफरेंट तरह के रिसर्च होंगे जो कहीं ना कहीं चीजों की प्रेरणा देंगे. यहाँ दोस्तों पूरी तरह से देखें तो स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया को एक तरह से ये बूस्टअप भी करेगा, तो एक तरह से इंफॉर्मेटिव सेशन है. तो मल्टीपल अप्रोच को लेके ये चीज हुई है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के सेशन में, हम आगे आते हैं छठे टॉपिक पे, जहां पर जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, इलूसिव रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो जो भी नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज, वो पूरी तरह से आपको पता ही है दोस्तों, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी पर दिया गया है. और मैंने अभी ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आपको पहले भी बताया था, अभी जब इस वीडियो की शुरुआत कर रहा था, कि पांचवीं बार ग्रेविटेशनल वेव लीगो और विर्गो की मदद से आइडेंटिफाई हुए हैं. विर्गो जो मैंने बोला था इटली का है,
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है उसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, अरे अगर मैं बोलूं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊं तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन का नाम जरूर आएगा, क्योंकि आइंस्टीन दुनिया का ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले दुनिया वालों को ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया। पता है दोस्तों आइंस्टाइन ने 1906 में क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ कमियां थी, ओके, और उस कमियों के बेसिस पर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने बाद में डिस्कार्ड कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये था कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन चीजों पर अप्लाई नहीं होती थी जो चीजें समय के साथ बदलती हैं, और हम लोग दोस्तों उस दुनिया में रहते हैं जहां पर चीजें समय के साथ चेंज होती हैं, यानी स्पेस टाइम जो होता है एक रिलेशन होता है जो समय के साथ चीजें बदलती हैं। आप खुद देखो ना, हमारा अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, हमारा दिन है, हमारा रात है, हमारा मौसम है, यानी ये सारी चीजें समय के साथ चेंज होती हैं, यानी हम परिवर्तनशील दुनिया में रहते हैं, वी आर इन द चेंजिंग वर्ल्ड्स, ओके, जो समय के साथ चीजें बदलें। तो इसी इसी कंसेप्ट को अगर मैं कह रहा हूं कि जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1986 में आइंस्टाइन ने दिया, उस थियरी को डिस्कार्ड करके एक नई थियरी लाई गई, जो थियरी 10 साल बाद आई, जिसको हम जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बताते समय आइंस्टाइन ने बोला कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है, एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, यानी एक कपड़ा आप ले लो, जैसे मेरे हाथ में एक रुमाल है दोस्तों, आप मेरी तरफ देखना, ये एक रुमाल जो है ये एक स्पेस टाइम है, यानी पूरा ब्रह्मांड एक तरह से एक रुमाल है, एक फैब्रिक है, ओके, और इस रुमाल को इन्होंने क्या बोला, फैब्रिक को स्पेस टाइम बोला, यानी समय के साथ चीजों में परिवर्तन होना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक फैब्रिक की तरह बताया, ओके। इन्होंने जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके बेसिस पर ही बताया कि ग्रेविटेशनल वेव होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल वेव टाइप की चीजें जो होती हैं ये स्पेस टाइम फैब्रिक के अनुसार ही समझी जा सकती हैं। उन्होंने बोला कि मान लो अगर ये फैब्रिक है, एक रुमाल है, इस रुमाल में एक ऐसी बॉडी है जो कि मान लो एक बीच में यहाँ पे पड़ी हुई है। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने ये वेट रख दिया, ओके, ये मैंने रख दिया, एक रिमोट रख दिया, तो जैसे ही रिमोट रखता हूं, आप देखो ये रुमाल जो होता है दोस्तों ये नीचे की तरफ झुक जाता है, ओके, झुक जाता है। इसका जितना भी वेट होता है, इस वेट की वजह से ये रुमाल जो होता है क्या होता है, ये ऊपर नीचे करता है, रिपल करता है, ओके, इस तरह से रिपल करता है। तो उन्होंने बोला ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक तरह से एक फैब्रिक है, और इस पे कोई हैवी बॉडी है जो उस पर क्या कर रही है, जो उस पर रिपल कर रही है, ओके। जैसे जैसे कि आप ये कह लो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जैसे कि हमारा अपना सोलर सिस्टम है, जो सेंटर है, ओके, वो सन है, और सन का मास बहुत ज्यादा है, और उस मास के अगल बगल जो है सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, ओके, जो हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, यानी सारे मरकरी वगैरह जो है, और ये उसके चारों तरफ घूम रहे हैं उसके अट्रैक्शन में। आप खुद समझ सकते हो कि अगर मान लो ये रुमाल है, प्लेन शीट है, और अगर इसको मैं यहां से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट डालता हूं, तो आप खुद देखते हो ये नीचे आ जाता है, तो जब ये अगर नीचे झुकता है तो जितना ज्यादा इसका मास होगा, मान लो सन है, सन तो बहुत ज्यादा हैवी है, तो सन का मास ज्यादा होगा, तो रुमाल जो आपको ऐसे दिख रहा है दोस्तों, ये रुमाल जो आपको ऐसे दिख रहा है, आप यहां देखो, ओके, ये रुमाल जो आपको अभी ऐसे दिख रहा था प्लेन, अब जब यहाँ पे सन आ जाएगा तो रुमाल आपको ऐसे झुका हुआ होगा, यानी रुमाल जो होगा दोस्तों वो इस तरह से हो जाएगा आपको, है ना, ये जो है वो इस तरह हो जाएगा, यानी यहाँ सन है और बाकी यहाँ मरकरी है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे के सारे जो प्लैनेट है, और इसकी तरफ क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे चारों तरफ घूमेंगे, ऐसे चले जाएंगे, ये भी ऐसे घूमेंगे, ऐसे चला जाएगा, ये भी ऐसे घूमेंगे, ऐसे चला जाएगा, और ये सन के चारों तरफ सारे के सारे 9 प्लैनेट होंगे, घूमते रहेंगे। इसी को क्या बोला, स्पेस फैब्रिक बोला, और ये जो सन है एक तरह से यहाँ पे जो फैब्रिक पे ये रिपल 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 करेगा, जितना ज्यादा इसका मास होगा सन का या कोई भी बॉडी होगी, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, और जो रिपल करते हुए आगे बढ़ेगा उसी को ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। जैसे आप खुद देखो ना, आप कोई पानी है, पानी के अंदर से आप एक ईंट डालते हो तो एक रिपल सा जनरेट होता है, एक वेव सा जनरेट होता है, वेव्स आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह के ग्रेविटेशनल वेव स्पेस में भी जनरेट होते हैं। ये स्पेस में जो जनरेट होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। जैसे मान लो कि दो ब्लैक होल हैं, ओके, मान लो दो ब्लैक होल हैं, ओके, एक ब्लैक होल ये, अच्छा, जैसे मान लो एक लड़की, ओके, एक लड़की ये है दोस्तों, ओके, और एक गर्ल ये है, है ना, दोनों गर्ल ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं और दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे। अच्छा, आपने देखा, हम लोगों ने बचपन में दोस्तों के साथ या अपनी बहनों के साथ है ना, क्या किया, भाइयों के साथ, हम लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ कर ना ऐसे चारों चारों तरफ, उसको पंजाबी में कहते हैं किकलिंग किया। तो जब किकलिंग किया दोस्तों, तो हमारे अगल बगल क्या होता है ना, वेव्स निकलते, वो वेव्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते। तो जब हम एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे, किकलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी निकल रही होती है और हम थक रहे होते हैं,
क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो धीरे 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 एनर्जी निकल कर क्या होती है, हम थक जाते हैं और हम एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। अगर हम हाथ नहीं छोड़ते हैं तो आप सब जानते हो कि ये दोनों के दोनों जो शख्स हैं, जो लड़कियां, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो इनके चारों तरफ कुछ वेव्स निकलते हैं। ये देखो ये वेव्स निकला, ये देखो इसके चारों तरफ वेव निकला, ये देखो इसको चारों तरफ वेव निकला। इस वेव्स को हम एक्चुअल में ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। लेकिन एक बात बता, ये दोनों बॉडी बहुत छोटी है, दो लड़कियां हैं, लड़कियों का वेट ऐसे भी बहुत कम होता है, मैंने हम लड़कियों को कम ही खाते देखा, अपनी बहनों की बात बता रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हल्के वेट्स वाले हैं जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो इनसे वेव्स जो निकलते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, अब जैसे मान लो लेकिन कोई बड़ी बॉडी, मान लो एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल पता है, ब्लैक होल यूनिवर्स में ऐसी बॉडीज होती है जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। तो ये स्पेस टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा कर्वेचर बनाते हैं, सबसे ज्यादा नीचे झुकते हैं, तो इनकी अगल बगल से जो भी गुजरने वाली चीज फट से तरफ खींच जाती है। तो ये जो ब्लैक होल है इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इनका मास बहुत ज्यादा होता है। तो अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं और इन दोनों में कॉलिजन हो जाता है, भिड़ जाते हैं, तो ये बहुत दो बड़ी बॉडी जो अंतरिक्ष में इस तरह की घटना हो रही है इसकी वजह से ग्रेविटेशन वेव निकलता है, वो बहुत भारी होते हैं, अच्छे ग्रेविटेशन वेव होते हैं, और उन ग्रेविटेशन वेव को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं ग्रेविटेशन वेव की स्टडी वगैरह को करने के लिए, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, इन्हीं के लिए ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी बनाए गए हैं। ओके, और दुनिया में कई जगह पे ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी है जो काम कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो उसी बारे में बात होती है दोस्तों, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम के बारे में बात होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके लिए जिनको नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों, वो रैनर विस हैं जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं यूएस के, इसके अलावा बैरी सी बैरिस हैं जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं कार्टेक यूएस के, और किप एस थॉर्ने को दिया गया जो भी यूएस के प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। इन तीनों को ज्वाइंटली क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के लिए। पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको मैं बताऊं जो ग्रेविटेशनल वेव के लिए किया गया वो 1960 में किया गया। तो दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट जो ग्रेविटेशनल वेव के लिए हुआ 1960 में हुआ, और वो काम जोसेफ वेबर ने किया। जोसेफ वेबर ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने सबसे पहली बार डिटेक्टर बनाया ग्रेविटेशनल वेव को, यानी ग्रेविटेशनल वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या डिटेक्टर बनाया। और ये डिटेक्टर जो उन्होंने बनाया वो मैरीलैंड में, यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में, और उससे ठीक 950 किलोमीटर दूर आर्गोनॉन नेशनल लेबोरेटरी जो कि शिकागो में है, इन दोनों जगह पर सेम तरह का डिटेक्टर बनाया। और इन दोनों जगहों पर सेम तरह का डिटेक्टर बनाने के बाद उन्होंने इस डिटेक्टर को पूरी तरह से ऑपरेशनल किया 1965 में, और पहली बार उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट दिया 1966 में ग्रेविटेशनल वेव की मौजूदगी का। इसके बाद दुनिया के सारे कंट्रीज ग्रेविटेशनल वेव की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अब बात ये होती है ग्रेविटेशनल वेव से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पता चलने वाली। दोस्तों ग्रेविटेशनल वेव इस तरह के वेव्स हैं जो कि जब ब्रह्मांड बन रहा था उस समय भी, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई, तो लोग कहते हैं भाई बिग बैंग हुआ होगा, बिग बैंग के साथ ही ऐसी घटना हुई होगी। अगर आपको बिग बैंग के बारे में पता होगा तो पता होगा एक शुरुआत में जो ब्रह्मांड बना वो छोटे से एक पार्टिकल से बना, और तकरीबन आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो ये घटनाएं हुई हैं। फाइन, आप मेरी बुक पढ़ना, इस चीजों के बारे में मैंने अपनी बुक में लिखा है। और ये एक ऐसी बॉडी थी जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो था, यूनिवर्स जो था, वो कंडेंस था। एक छोटी सी बॉडी के अंदर अगर सारी की सारी चीजें होंगी दोस्तों तो काफी समय के लिए नहीं रह सकती हैं और वो चीज एक्सप्लोड हो जाएगी। ओके, तो ऐसा ही कुछ घटना अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स को बिग बैंग की घटना हुई, और उसके बाद चीजों का बनना शुरू हुआ। तो जब बिग बैंग हुआ, यहां से चीजें बन रही थी, तो बन भी रही थी, भिड़ भी रही थी, टूट भी रही थी, बन भी रही थी, और चीजें एक दूसरे से दूर जा रही थी। तो उस घटना में क्या हुआ, जब दो बॉडी के बीच में कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन होने से कुछ वेव्स निकले, ग्रेविटेशनल वेव निकले। वो ग्रेविटेशनल वेव आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। उन ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी अगर हम आज करें तो हम उन समय के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो आज से इतने बिलियन साल पहले हुए हैं, उनकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कब आया है, यूनिवर्स कैसे आया है, यूनिवर्स कहाँ से आया है, यूनिवर्स की उम्र कितनी होगी, कब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, कब तक हम रहेंगे, कब तक जीवन रहेगा, कैसे जीवन आया होगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं ग्रेविटेशनल वेव से समझने में आसानी मिलेगी। इसीलिए ग्रेविटेशनल वेव टाइप की चीजों की स्टडी के लिए, अब ग्रेविटेशन वेव बहुत ही माइन्यूट वेव होते हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो क्लासेस चलते हैं, कहीं दूर स्कूल के बच्चे जो है आवाज कर रहे हैं, कहीं दूर कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज भी ग्रेविटेशनल वेव को डिस्टर्ब करती है सुनने में। तो ग्रेविटेशनल वेव को चेक करने के लिए बहुत ही हाई मतलब क्वालिटी का ऑब्जर्वेटरी बनाना पड़ता है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेटरी वेबर ने बनाया उसके बारे में बात कर लिया, और वेबर के बेस पर ही आगे चलकर
ओके वेबर के बेस पर ही आगे चलकर जो वेबर ने रिजल्ट बताया, जो 950 किलोमीटर की दूरी पर ये लेबोरेटरी बने, उसी बेसिस पर चलकर आगे चलकर लीगो लेबोरेटरी बनाई गई दोस्तों। और लीगो लेबोरेटरी जो है, ये लीगो लेबोरेटरी इसका पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो नाम आप यहाँ देख सकते हैं, लीगो लेबोरेटरी बनाई गई। ये पूरी तरह से जो लीगो लेबोरेटरी है ये ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए है। और सिमिलर तरह का ही जो लेबोरेटरी है वो विर्गो भी है, विर्गो जो इटली में है। ये लेबोरेटरी जो है दुनिया में कहाँ है, कैसी कैसी जगह है, इस पिक्चर को देखते हैं दोस्तों। इस पिक्चर को देखेगा, जरा समझेगा इस पिक्चर में सारी कहानी है कहाँ। देखो लीगो जो है लेजर इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक हैनफर्ड में, हैनफर्ड पड़ता है दोस्तों वॉशिंगटन में। दूसरा लीगो जो है लिविंगस्टन में पड़ता है, लिविंगस्टन पड़ता है लूसियाना में। ओके ये दो तो हो गया जो अमेरिका के हैं, और ये दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 3000 कुछ किलोमीटर के आसपास है। तो ये दोनों लेबोरेटरी हमने जो बनाई, एक ही तरह की लेबोरेटरी है, एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, और दोनों करीबन 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस। जैसे अलियर हमने देखा था ना, अलियर वाले में जो जो लेबोरेटरी बनी थी वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे थी, 950 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। यहाँ उसी कॉन्सेप्ट पे हमने लेबोरेटरी बनाई, और इस बार जो लेबोरेटरी लीगो की अमेरिका वाली है ग्रेविटेशन को चेक करने के लिए, वो तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर। उसी तरह की लेबोरेटरी जियो में है यूरोप में, विर्गो इटली में है। ठीक है, ये चार जो येलो कलर वाले हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे रिसर्च चल रहे हैं। अगला जो कागरा जो जापान में है वो अभी ये लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, और अमेरिका का जो लीगो लेबोरेटरी उसका तीसरा लेबोरेटरी इंडिया के साथ मिलकर बन रहा है, और अभी ये प्लान्ड है कमिंग फ्यूचर में बनेगा। ओके तो ये वो लेबोरेटरी हैं जो बनाने की बात हो रही है। इन लेबोरेटरीज में ही हम ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करेंगे। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ये ट्विन लेबोरेटरी जो हमने बोला हैनफर्ट वाशिंगटन और लिविंगस्टन लुसियाना में, ये जो मैंने बोला तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो इंटरफेरोमीटर एक एंटीना लगाया गया, ये काफी अच्छी क्षमता के हैं। 2002 में सबसे पहले अगर बात करें तो जो जो हमारे काम चल रहे थे उसके अपग्रेडेशन शुरू हुए, और मोस्ट रिसेंट अपग्रेड जो हुआ लीगो का बनाने का जो ऑपरेशन में आया वो 2015 से आया। ओके और हमने जो वेव डिटेक्ट किए हैं जो लिविंगस्टन में और हैनफर्ड में, ओके इन दोनों में वेव्स में एक ही समय में तकरीबन हमने वेव सुनाई, क्योंकि जो वेव्स जो पृथ्वी पर होते हैं दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल वेव होते हैं पूरे पृथ्वी पर एक ही तरह के वेव्स होते हैं। ओके तो यहां पर तो तकरीबन एक समय पर ही हम पूरी समय पूरी जगह पे क्या कर सकते हैं, वेव्स को सुन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, मान लो ये हैनफर्ड है, ये मान लो लिविंगस्टन है, दोनों 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो वेव हमको यहां पे सुनाई देगा लीगो में वही वेव हमको यहां सुनाई देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है 3000 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए दोनों जगह पे एक ही तरह के वेव्स होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वेव तो पूरी पृथ्वी पे एक साथ एक ही तरह के होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई वेव्स होता है, यहाँ पे कोई दूसरा वेव होता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि कोई दूसरा वेव है, और यहाँ पर जो वेव है और यहाँ पर वेव एक ही तरह का आता है, तो एक ही तरह के वेव तो पूरी पृथ्वी में ग्रेविटेशन वेव भी हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों जगह पर सेम समय में हमने ये रिसर्च किया है, ताकि हमें जो वेव्स होंगे वो सेम समय पर दोनों जगह पर मिलेंगे। तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि सच में ग्रेविटेशन वेव एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने एक ही समय में दो जगह पर रिसर्च किया। पहली पिछली बार भी ऐसी ऐसी जो वेबर ने किया था 950 एक ही समय में दोनों करके डिटेक्ट किया, तो ग्रेविटेशन वेव यूनिफॉर्मली पूरे पृथ्वी पर एक समय एक ही तरह के होते हैं। तो इस तरह की चीजों को कंफर्म करने के लिए 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेम समय में सेम तरह का लेबोरेटरी बनाकर सेम तरह के इंस्ट्रूमेंट से सेम तरह की चीजें चेक की गई। ओके तो यहां पर जो दोनों का है वो बहुत ही माइन्यूट समय का डिफरेंस था, मिलीसेकंड का मतलब होता है एटलीस्ट कोई भी समय का डिफरेंस नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह के बीच में तकरीबन डिफरेंस नहीं आता, लेकिन यहां पर बताया गया मिलीसेकंड का डिफरेंस आया है थोड़ा सा जो वेव्स चेक किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी तो पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हुआ था ग्रेविटेशनल वेव को लेकर वो 11 फरवरी 2016 को हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कर लिए गए हैं। दूसरी बार इसका जो डिटेक्शन हुआ है वो 26 दिसंबर 2016 को हुआ है, तीसरी बार 4 जनवरी 2017 को हुआ है। आगे चलकर दोस्तों इटली विर्गो का जो ऑब्जर्वेटरी है, विर्गो जो है इटली में है, और उसने चौथी बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन की बात की थी, दो ब्लैक होल के फिटने के बाद इस तरह की चीजें जनरेट हुई थी। विर्गो एक तरह का एक लेबोरेटरी है दोस्तों, जहां पे 6 कंट्री काम करते हैं, और इटली कौन कौन से कंट्री हैं जो विर्गो में काम करते हैं, विर्गो एक जो लीगो जो एक ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इटली है, फ्रांस है, इसके साथ ही साथ दोस्तों नेदरलैंड, पोलैंड, हंगरी और स्पेन, तो ये सारी कंट्री मिलकर इसके लिए काम करते हैं। ऐसा कहते हैं इंडिया भी इसको हाल ही में जल्दी ज्वाइन कर लेगा। ओके भारत सरकार ने भी लीगो इंडिया के बारे में अपना बजट
ओके जो भी है उसने दिया है 17 फरवरी 2016 को हमारे कैबिनेट में लीगो इंडिया रिसर्च के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया दोस्तों, लक्ष्य किया गया है जो भारत में भी लीगो इंडिया जो अमेरिका के साथ मिलकर रिसर्च होगा उसमें भी हम कहीं ना कहीं कैपिटेशन वेव को जानने में हमें मदद मिलेगी। ओके आगे बढ़ते हैं, नोबल प्राइज फिजियोलॉजी का यानी मेडिसिन की बात करते हैं। 2017 में दोस्तों जो मेडिसिन या ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नोबल प्राइज दिया गया है वो 3 अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जेफरे सी हॉल, माइकल रॉसबॉस एंड माइकल डब्ल्यू यंग को दिया गया, जिसके पीछे जो रीजन था दोस्तों कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल और ह्यूमन वगैरह में अगर हम देखें तो उनमें एक तरह का बायोलॉजिकल रिदम चलता है। और ये बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, शरीर के अंदर चलने वाली ऐसे चेंजेस जो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे रात होती है नींद आ जाता है, सुबह होती है अचानक उठ जाते हैं, दोपहर में खाने के बाद देखे तो नैप आता है 5-10 मिनट का। ये कहीं ना कहीं इसको साइंटिफिकली हमारे बॉडी में से जीन होते हैं जिनके हिसाब से हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स या केमिकल निकलते हैं जिसके हिसाब से बॉडी इन्फ्लुएंस होती है, इस तरह की एक्टिविटी होती है। बहुत सारे जैसे साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन्स है, है ना, इसके अलावा फंगी है, इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस तरह के बायोलॉजिकल क्लॉक जैसी एक्टिविटी से क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उनके बॉडी में इस तरह की एक्टिविटी होती है। और लाइट इसी को बोलते हैं शरीर के अंदर चलने वाला, मतलब अगल लाइट और डार्क किसकी वजह से होता है, सीजन किसकी वजह से होता है, आप सब जानते हो ये एक्टिविटी जो थी दोस्तों रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जियान जकस डी ऑर्डर्स बी मैरियन, ओके ये एक क्रोनोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भी बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पहली बार रिपोर्ट दिया था, वो दिया था 1729 में। तो सबसे पहली बार बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताने वाला जो शख्स था उसका नाम था जी एन जकेस डी ऑर्डर्स डी मैरियन। ओके उन्होंने सबसे पहले इस चीज की जो एक्टिविटी बताई थी वो टच मी नॉट मिमोसा प्यूटिका, जिसको आप छुई मुई कहते हैं, उसके अंदर बता रहे कैसे टच करने से उस प्लांट के अंदर किस तरह की एक्टिविटी होती है। और एक तरह से देखें तो प्लांट के नाइट में होने पर प्लांट में जो अलग तरह के चेंजेस होते हैं, तो डे और नाइट इस तरह की एक्टिविटी और टच करने का जो रिस्पॉन्स होता है इसकी वजह से पौधों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं, इस तरह की एक्टिविटी होती है जिससे पौधे अपना रिस्पॉन्स अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से देते हैं। अब जैसे माइकल रॉसबॉस ने क्या किया, एक रिसर्च जो भी फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक रिसर्च किया, ओके माइकल रॉसबॉस और हॉल इन लोगों ने मिलकर एक रिसर्च किया, इन्होंने ये बताया कि एक पीरियड जीन होता है, फाइन एक पीरियड जीन होता है, एक डीएनए का टुकड़ा होता है जो कहीं ना कहीं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जरूरी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जीन जो होता है इस तरह के प्रोटीन बनाता है ना, जिस प्रोटीन को हम लोग पर कहते हैं, यानी पीरियड जीन पर प्रोटीन बनाता है, PER पर प्रोटीन। और ये पर प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जो होता है हमारी बॉडी के सेल में दिन और नाइट में अलग अलग हिसाब से निर्मित होते हैं, यानी हमारी बॉडी का जो जीन होता है वो दिन और रात के अकॉर्डिंग पर प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन दिन और रात के समय अलग अलग लेवल पे बनते हैं और इन्हीं अलग अलग लेवल की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी में नहीं फ्रूट फ्लाई के अंदर। और जिस एक्टिविटी को इन्होंने देखा और प्रूफ किया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, साइंटिफिक तरीकों से इन्होंने इसको बताया। एक चीज और होती जैसे सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा कैस्मेटिक में शॉर्ट में हम SCN भी कहते हैं, ये एक तरह के न्यूरॉन सेल के ग्रुप हैं जो एक्चुअल में हमारे ब्रेन सेल को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं। ओके इस तरह के न्यूक्लियस होते हैं और ये ब्रेन सेल ब्रेन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के पार्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। तो SCN सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो ब्रेन में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से ये न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट होता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं स्टिमुलस जनरेट करते हैं। इसकी वजह से होता क्या, जैसे जब दिन का समय है तो जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सिग्नल भेजते हैं SCN को। ठीक है, SCN क्या होता है, सुप्रा कॉस्मेटिक न्यूक्लियस एक तरह के सिग्नल रिसीव करता है और उसकी मदद से हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू होती है। क्या होता है, जब दिन और रात होते हैं तो इसके हिसाब से हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो SCN को स्केमेटिक न्यूक्लियस को, है ना, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल है जो ब्रेन के बेस पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस में, इसको एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड होता है उसको मैसेज देता है। और यही पीनियल, यानी कहने का मतलब है डे हो या नाइट हो,
इसके हिसाब से SCN जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। SCN जो होता है हमारे पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, पीनियल ग्लैंड को रिस्पांस देता है, पीनियल ग्रंथि होती है, और इस पीनियल ग्लैंड के रिस्पांस की वजह से हम में उस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करते हैं। जैसे जैसे ही रात होती है हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बनने लगता है, और मेलाटोनिन जैसे ही बनता है शाम होती है हमें नींद आने लगती है। यानी इसको बहुत ही लेमैन भाषा में कहें तो हमारे बॉडी में दिन और रात के अकॉर्डिंग इस तरह की चीजें बनती है। तो पीनियल ग्लैंड से इस तरह के मेलाटोनिन का निर्माण होता है। वही दिन में देखो तो मेलाटोनिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है और हमें नींद खत्म हो जाती है। वही कह रहा है जैसे-जैसे दिन प्रोग्रेस होता है, मतलब जैसे-जैसे डे आगे बढ़ता है, इवनिंग आती है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का फॉर्मेशन मोर हो जाता है और इस तरह से हमारे हार्मोन्स वगैरह हमें सुला देते हैं। ओके, जैसे भी आप देखो रात में होते होते हमें अपने आप लेजीनेस और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और आगे बढ़ो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 49% ज्यादातर है ना लोगों को जो जो भी मतलब हार्ट अटैक होता है उसके पीछे भी रीजन होता है कहीं ना कहीं अर्थ का रोटेशन। जो लोग 6 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर के बीच में हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्योंकि उस समय क्या होता है हमारा जो सर्केडियन रिदम होता है अर्थ के रोटेशन अकॉर्डिंग हमारा बीपी लेवल बहुत ही ज्यादा होता है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी वजह से हमें जनरली है ना जैसे हम बेड से ज्यादा उठते हैं तो उस केसेस में हमारे पास अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूफ है। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को अपने हेल्थ से भी जोड़कर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कूल माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनराइज बायोकेमिस्ट्री, यानी क्रायो माइक्रोस्कोपी जिसको CM भी कहते हैं शॉर्ट में बच्चों। एक्चुअल में सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आपको पता है किसी सेल को और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर DNA, इन चीजों को ढंग से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इन सेल और टिश्यूज को देखते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो जब सेल और टिश्यू, मान लो वायरस का स्ट्रक्चर देखना है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखना है, होता क्या पता है जब वायरस और बैक्टीरिया से स्ट्रक्चर देते तो वायरस अपने DNA अपने RNA को बदल रहा होता। अब आप अगर वायरस को अगर आप देखना चाहें उसके DNA को उसके RNA को, और वायरस अपने DNA RNA को बदलता है, अगर आप सारे फेस को देखना चाहते हैं किस हिसाब से वायरस के जेनेटिक मटेरियल चेंज होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वायरस ही मर जाएगा उसमें डीएक्टिव हो जाएगा तो वायरस में होने वाले जेनेटिक चेंजेस आप नहीं देख सकते। इसलिए इस तरह का माइक्रोस्कोप एक तरह से बायोकेमिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन है। इस तरह के माइक्रोस्कोप में कम टेम्परेचर पर हम उसी वायरस को क्या कर देंगे, मारेंगे नहीं, उसी को हम क्या कर देंगे, स्लो एक्टिव कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, और हर फेज की, यहां वायरस मरेगा नहीं, हर फेज की हर स्टेप बाय स्टेप में क्या चेंजेस होते हैं उसके पिक्चर्स देखकर, जैसे वायरस का पता है जीका वायरस हमारी बॉडी में किस किस तरीके से क्या चेंजेस लाकर क्या प्रॉब्लम करता है, उसके सारे स्ट्रेन को, उसके DNA RNA टाइप के सीक्वेंसेस को ढंग से देखने के लिए एक अच्छा रिजल्ट इस माइक्रोस्कोप की मदद से मिला है दोस्तों। ओके, और अच्छे रिजल्ट आए, यानी कहने का मतलब इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह के जेनेटिक कैरेक्टर स्टडी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं होती है क्योंकि वो चीजें मर जाती हैं। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो जैकस डुबोकेट को दिया गया है, साथ साथ जो केम फ्रैंक और रिचर्ड हैंडरसन भी है। याद रखना दोस्तों, UPSC वगैरह के एग्जाम में ये नाम नहीं आते हैं, लेकिन स्टेट PCS में ये नाम आप रट लीजिएगा। स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी ये किस लिए दिया गया, तो इन्होंने क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बनाई है जो बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन पर काम करता है, और ये पूरी तरह से जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं DNA RNA माइटोकॉन्ड्रिया इन सब की स्टडी को देखने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम जो इमेजेस देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बायो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, प्रोटीन, DNA RNA कार्बोहाइड्रेट इन सबके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है अगर उसको हम जनरली यूज करते हैं तो उससे जो टिश्यूज वगैरह होते हैं डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए एक क्रायो माइक्रोस्कोपी है जो कि एक अच्छा विकल्प है। क्रायो माइक्रोस्कोपी में देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जो जीका वायरस के बारे में बताते हैं कि हम जीका वायरस जो कि एक एपिडेमिक डिजीज है, ब्रेन को डैमेज करता है बच्चों के अंदर, उनके जो माइक्रोसिफेली है उनके
ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता है, उस तरह के वायरसेस के सारे स्ट्रेन को देखने के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरह का अच्छा विकल्प होगा। ये पूरी तरह की इमेजेस को थ्री डायमेंशनल इमेजेस में लेकर आता है वायरस को देखने के लिए। ये एटॉमिक लेवल पर यानी एटम के लेवल पर, परमाणु के स्तर पर चीजों को देखता है, बहुत ही क्लियरिटी देता है और ऐसा कहते हैं भविष्य में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से वरदान होगा। अगर हम इनमें होता क्या, जब हम रैपिड कूलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं, क्योंकि क्रायो का मतलब होता है बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये माइक्रोस्कोपी काम करता है, उसी इसकी मदद लेते हैं कम टेम्परेचर की, इससे जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन वगैरह ये फ्रोजन हो जाते हैं, है ना, एकदम मतलब जम जाते हैं और यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो प्रॉपर इमेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायरसेस वगैरह इस तरह की एक्टिविटी जो होती है उनके जेनेटिक चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पर जो फिल्म ली जाती है, जो कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, उनका जो प्रोटीन वगैरह है या किसी तरह से जो वो मॉलिक्यूल वगैरह के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसके पिक्चर इमेजेस अच्छे आते हैं। तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक तरह से अच्छा आसान तरीका है। जो मेम्ब्रेन और प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, असल में क्या होता है दोस्तों, जब कोई वायरस, मान लो ये हमारा सेल है और ये एक वायरस है, ओके, तो वायरस जब अंदर आता है तो अपने न्यूक्लियर डीएनए को अंदर करता है। वायरस के बाहर क्या होता है ना, सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं, और जो हमारा सेल होता है ना उसके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन या सिग्नल्स होते हैं। तो इन चीजों को है ना, मेम्ब्रेन और प्रोटीन के इंटरेक्शन को ठीक है समझने के लिए, है ना, फार्मास्यूटिकल यानी जहां दवाइयां वाइया उनको केसेस में इसको समझना बहुत जरूरी है कि वायरस और जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, मेम्ब्रेन और प्रोटीन के बीच में क्या इंटरेक्शन, इन चीजों को समझने में काफी हद तक ये मदद करेगा। दोस्तों एक मिशन है जिसको हम वाइगर कहते हैं, और वाइगर के बारे में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आना चाहिए। एक बार 2014 के यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया दोस्तों, इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो मैचिंग करेक्ट है, उसमें से एक था न्यू होराइजन के बारे में, ओके, उसके सामने लिखा था कि ये मरकरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा मरकरी नहीं शायद वीनस या कुछ लिखा था, दूसरा उसके बाद पूछा था दोस्तों मैसेंजर जो है, मैसेंजर मिशन वो किससे है, तो मरकरी से जुड़ा हुआ है, तीसरा एक था दोस्तों उसका नाम था वेगर, और वेगर के सामने लिखा था वो इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी करेगा। तो वहां पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, न्यू होराइजन मिशन जो है वो जो है वीनस के लिए नहीं है दोस्तों, ये प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा गया था, ओके, बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और न्यू होराइजन के बेस पर ही हमने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया, आपको शायद पता होगा, इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे कंफर्म होगा कि प्लूटो हमारा नाइन्थ प्लैनेट नहीं है, उसे हमने अपने नाइन्थ प्लैनेट से बाहर कर दिया, क्योंकि अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या क्या चीजें बनाई हैं उसके बारे में कभी कहीं किसी आर्टिकल में होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। यहां मैं आपसे दोस्तों इस समय वॉयगर के बारे में बात करना चाहूंगा। वॉयगर जो है एक मिशन है जो नासा के द्वारा भेजा गया है 1977 के आसपास ये मिशन भेजा गया। इसका मेन उद्देश्य था कि दो प्लैनेट की स्टडी करना है, जुपिटर की और सैटर्न की, ओके, यानी बृहस्पति और शनि की स्टडी करेगा, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए दो स्पेसक्राफ्ट बनाए गए, एक वॉयगर 1 और एक वॉयगर 2। अब बात होती है कि दो स्पेसक्राफ्ट क्यों बनाए गए दोस्तों, मान लो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर अपनी जर्नी में कहीं पर वॉयगर 1 फेल हो जाता है या वॉयगर 2 फेल हो जाता है तो एटलीस्ट कोई ना कोई काम करेगा और कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहां पर जो प्लैनेट्स वगैरह जो बनाए गए हैं, है ना, तो ये जो वॉयगर 1 वॉयगर 2 है, ये मतलब जो जुपिटर और सैटर्न वगैरह की स्टडी के लिए भेजा गया दोस्तों। यहां पे जो स्पेस क्राफ्ट में 3 थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे हुए हैं जो जनरली क्या करेंगे, हीट एनर्जी को, है ना, हीट एनर्जी जनरेट करेंगे, और इनके अंदर जो हीट एनर्जी जनरेट होगी उसको जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्लूटोनियम का यूज किया गया है, प्लूटोनियम 238। तो इस तरह के न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ये मिशन भेजा गया है, और न्यूक्लियर एनर्जी में अथाह हीट अथाह एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो कई सालों तक ये उसको पावर देता रहेगा और ये मिशन जो है वो जाता रहेगा, जिसकी वजह से कह रहे हैं 249 वॉट के आसपास तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट होगी। वॉयगर 1 जो मिशन था दोस्तों, इसे 5 सितंबर 1977 को भेजा गया, ओके, और वॉयगर 2 जो था उसे 20 अगस्त 1977 को भेजा गया। एक बात मैं बताता हूँ, ये जो वॉयगर 1 था इसके भेजने में थोड़ा डिले हो गया था, आप देखो ये सितंबर है और ये अगस्त है, ओके, इसे थोड़ा पहले भेज, क्योंकि जब हम भेज रहे थे तो उस समय वॉयगर 1 थोड़ा डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो हमने वॉयगर 2 को पहले भेज दिया। वो अलग बात है कि वॉयगर 1 वॉयगर 2 से आगे निकल गया, तो भेजते समय वॉयगर 2 पहले गया था लेकिन सीरीज में आगे निकल गया जर्नी में कौन, वॉयगर 1। तो वॉयगर 1 ने बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। इनमें क्या है दोस्तों, दो आउटर मोस्ट प्लैनेट यूरेनस नेपच्यून, है ना, की मिशन जो भी है की भी स्टडी करेगा। असल में क्या हुआ, 1977 में बड़ा अच्छा सा
इंटरेस्टिंग हुआ. इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये जो यूरेनस थे, नेपच्यून्स थे, ये सारे के सारे जो नाइन प्लैनेट्स थे ना, पहले तो नाइन ही बोले जाते थे, उसमें जो लास्ट वाले जो चार प्लैनेट है ना, चार पांच प्लैनेट, वो सब 1977 में एक सीध में ही आ रहे थे. और इस तरह की कंडीशन 150-200 सालों में एक बार होती है. तो जब हम इस मिशन को भेजेंगे और वहां से गुजरेगा, तो ये तीनों चारों जो प्लैनेट होगी उन सबकी स्टडी कर लेगा. ओके. और ये सबसे दूरी का एक मिशन भेजा गया. तो यही बात कह रहे हैं कि ये मिशन जो है यूरेनस नेपच्यून के लिए भी किया गया. इस मिशन को शुरुआत में सिर्फ 5 साल का लाइफ स्पैन था, बाद में इसको बढ़ाकर 22 साल का कर दिया गया. ओके. बाद में से बढ़ाकर क्या करेगा, 12 ईयर का कर दिया गया. इसमें कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट वगैरह में डीप स्पेस नेटवर्क होता है जो वहां से इंफॉर्मेशन हमें अर्थ पर देता है, जिसके लिए इनमें जैंट रेडियो एंटीनाज लगे हैं. तो स्पेस से इंफॉर्मेशन देने के लिए ये लगे हुए हैं. और इसका जो इंफॉर्मेशन वगैरह जो रिसीव होता है, जो चीजें होती है, वो मैड्रिड स्पेन, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया और गोल्ड स्टोन कैलिफोर्निया में सारे डेटा वगैरह स्टोर किए जाते हैं, इसके सारे इंफॉर्मेशन देखे जाते हैं. सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा सोलर मिशन, जो सॉरी हमारा जो सोलर सिस्टम है, ओके, सौर मंडल जो है, मान लो ये सन है, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, जुपिटर, ये सारे के सारे जो प्लैनेट हैं, एक सीधा देखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि है ना, ये सब जो चीजें बोलते हैं, ये जो भी मरकरी, वीनस जो भी है, ओके, ये सब एक दूरी तक है. और कहते हैं प्लूटो छोड़ दो, तो प्लूटो के पहले तक का जो 9 प्लैनेट है, इन सब का ये पूरा अपना एक सोलर सिस्टम है. तो हमारा सोलर सिस्टम सन के इफेक्ट में, तो सन के इफेक्ट में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हीलियोस्फीयर. क्या बोलते हैं, हीलियो मतलब हीलियम से बना, और सन के अंदर जो हीलाइट होती है वो हीलियम की वजह से होती है. तो यही इसको हीलियोस्फीयर मतलब कहते हैं, जहां तक सन का लाइट होता है सोलर सिस्टम को हीलियोस्फीयर कहते हैं. और हीलियोस्फीयर के बाद के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरस्टीलर स्पेस. यानी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के जब चीज बाहर निकल जाए तो उस जगह को बोलते हैं इंटरस्टीलर स्पेस. तो ये मिशन पूरी तरह से इंटरस्टीलर मिशन है. और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन भी है कि वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है, वेगर वन. वेगर टू के बारे में ऐसा रिपोर्ट है कि अभी कुछ सालों में बाहर जाएगा, ओके, जैसा मैंने सुना है, ओके. तो वेगर वन हमारा सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका है. अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस का जो अभी तक मिशन भेजा गया है, जो मानव ने बना के भेजा है, वो वेगर वन ही है. ओके, इससे ज्यादा दूरी का अभी तक कोई मिशन नहीं. क्या आपको खुद ही देखो, इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर स्टडी कर रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी करने वाला है. मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना, ये जर्नी जो जा रहा है सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर है ना, आगे बढ़ेगा सोलर सिस्टम. एक चीज और याद रखना, ये जो है ये डिफरेंट तरह के एस्टेरॉइड्स है ना, कॉमेट्स, क्यूपियर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स, इन सब की स्टडी करेगा. ओके. जो कि क्यूपियर बेल्ट क्या होता है, जो प्लूटो वगैरह है वो एक अलग एरियाज में होते हैं, जिनको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको हम क्यूपियर बेल्ट कहते हैं. और क्यूपियर बेल्ट के अंदर जो प्लैनेट होते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ड्वार्फ यानी बौने ग्रह कहते हैं. तो असल में जो प्लूटो है वो उसी एरियाज में है जिसको हम क्यूपियर बेल्ट के अंदर ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो हीलियोस्फीयर के बाहर निकल गया. और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जो ये फैक्ट यहां पे जो मैंने बोल्ड किया है, जो बोल्ड कन फैक्ट को जरूर देखना, बीच बीच में उनके लिंक्स हैं. ओके. तो जो क्वेश्चन आगे पेपर में हो सकते हैं ये बोल्ड वाले, 25 अगस्त 2012 को वेगर का रिपोर्ट आया कि वेगर हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल गया और वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है. ओके. और वेगर 2 जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू डू सो इन द फ्यू इयर्स, कुछ सालों में वेगर 2 जो होगा वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा. आपको इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं. एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये जो वेगर जो हमारा जा रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक पावर है, जो सिस्टम है, वो 2020 तक काम करेगा. ओके. और 2020 तक वेगर जो होगा तकरीबन है ना, वेगर 1 और वेगर 2 22.1 और 18.4 बिलियन किलोमीटर सन से दूर होगा. ओके. तो तकरीबन 22.1 18.4 बिलियन किलोमीटर दूर होगा 2020 तक सन से ये मिशन, यानी इंटरस्टेलर मिशन में करीब सन से इतनी दूरी तक ये पहुंच चुका होगा. अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, जो वेगर के जो गोल्डन रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए. जानते हो दोस्तों, जब नासा इस मिशन को भेज रहा था, ओके, जब नासा इस मिशन को भेज रहा था, तो दुनिया के बहुत सारे कंट्री नासा पर यानी अमेरिका पर हंस रहे थे. इवन स्टीफन हॉकिंस भी उनमें से एक थे, वो भी नासा पर हंस रहे थे कि अमेरिका पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि इस केसेस में क्या चीजें हुई हैं, बहुत चीजें जो फैसिनेटिंग है इस मिशन में, वो क्या है जरा आप देखना, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों लोग इसके बारे में हंस रहे थे. बट स्टिल नासा ने यह मिशन भेजा था. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे प्लैनेट जो अर्थ है इसको
है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी पूरी पृथ्वी पर जो जन जीवन है, जो चीजें हैं, उनको हमें अंतरिक्ष में ले जाकर सूचनाएं देगा। कल को ऐसा कहते हैं, मान लो कोई एलियंस हो या हमसे ज्यादा पावरफुल लोग हो, है ना, जो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में रहते हैं, तो उनको ये इंफॉर्मेशन देगा। ओके, किस तरह की इंफॉर्मेशन देगा? हमारे प्लैनेट्स अर्थ के बारे में, कि अर्थ पे लाइफ है, अर्थ पे और भी चीजें हैं, तो उनके बारे में ये बताएगा दोस्तों। ओके, साथ ही साथ ये अपने साथ फोनोग्राफ रिकॉर्ड भी लेकर गया है। फोनोग्राफ हम बोलते हैं दोस्तों आवाज को। ओके, जो 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड है और कॉपर डिस्क का बना हुआ है, इसमें आवाजें हैं। ओके, किस तरह की आवाजें? बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी इमेजेस रखी गई हैं, बहुत सारे मतलब फोटोग्राफ रखे गए। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसमें क्या है, एक ह्यूमन की एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है, स्कूल, स्पोर्ट्स, ईटिंग, ड्रिंकिंग, हाउसेज, बिल्डिंग, है ना, जैसे ताजमहल की इंफॉर्मेशन डाले गए हैं, जो एनिमल डोमेस्टिक एनिमल है, जो जंगली जानवर है, डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट जो है, जो अर्थ पे यूज होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलप है, सो ऑन, ये सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाला गया है कि कहीं मानव जाति से बाहर किसी अंतरिक्ष में अगर किसी जगह पर कोई एलियन या होगा, तो इन सारे इंफॉर्मेशन को लेके वो समझ जाएगा कि कुछ पृथ्वी टाइप की भी जगह है जहां पर जीवन है और जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं। तो इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन ये देगा, एक मिशन, इसके पीछे एक रीजन ये भी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसे बहुत तरह की आवाजें भी ये लेकर गया है, बहुत सारे पशुओं के मतलब जानवरों के, पक्षियों के, है ना, बहुत तरह के नेचुरल साउंड्स वगैरह भी इसमें डालकर भेजे गए, विंड के बारे में, थंडर के बारे में, पक्षियों के बारे में, वेल मछली के बारे में, दूसरे एनिमल के बारे में, कि पृथ्वी पर इस तरह के जानवर होते हैं। इसके साथ कुछ म्यूजिक वगैरह इसके अंदर रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं, कुछ ईस्टर्न, कुछ वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक भी है, कुछ एथनिक म्यूजिक भी है। इंडिया का भी एक बहुत ही मतलब खास एक म्यूजिशियन जिसके बारे में आपको जाना चाहिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो जात कहां हो अकेली गोरी, ये एक सॉन्ग है दोस्तों, जो वेयर आर यू गोइंग ब्यूटीफुल गर्ल, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो 3.5 मिनट का इसके अंदर रिकॉर्ड करके गया है। इसकी रिकॉर्डिंग 1963 में इस गाने की हुई थी, जो सुरश्री केसरबाई केरकर जो है, जो भैरवी राग मतलब गाती हैं, उनका ये गाना है, उनकी ये लाइन है। फिलहाल मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, इसको गाना बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है 3.5 मिनट का, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जात कहां हो अकेली गोरी। ओके, इट्स अ हिंदी नेम, जात कहां हो अकेली गोरी, वेयर आर यू गोइंग ब्यूटीफुल गोरी, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ये सॉन्ग है जो भी रिकॉर्ड करके भेजा गया है। फाइन, इसके अलावा दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन और मैं बता दूं, गोल्ड इसका और भी गोल्डन रिकॉर्ड किया है, इसने अपने साथ लैंग्वेजेस भी लेकर गया है, पृथ्वी के जो लोग जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ऐसा कहते हैं इसमें तकरीबन 55 लैंग्वेज हैं जो जिसकी जानकारी ये लेकर गया है। इसमें इंडियन लैंग्वेजेस में बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, मराठी, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेजेस के बारे में भी इसके अंदर डाला गया है, आवाज डाली गई उसके बारे में डाला गया। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर कुछ मैसेजेस भी हैं जो ये लेकर गया है, उस समय जो तत्कालीन जो यूएस प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनका मैसेज है, यूएन सेक्रेटरी जनरल कुर्ट वेल्डेन, उस समय की बात है 77 के बाद, उनके भी मैसेजेस हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पृथ्वी पर लाइफ है, ये यूनिवर्स में कहीं ना कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है इस मिशन के अंदर। ओके, तो यानी अगर कल को कहीं अर्थ खत्म हो जाता है, कुछ इस तरह की चीजें होती है, तो इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, इस बारे में क्या होना है क्या नहीं होना है, फिलहाल देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो भविष्य में इसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे, एलियन से मुलाकात करेगा नहीं करेगा, इसी चीज को लेकर स्टीफन हॉकिंग्स और दुनिया के काफी लोगों ने इस मिशन को क्रिटिसाइज किया, और समय के साथ इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। हाँ, एक चीज मैंने देखा, पिछले वीडियोस में काफी लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, सर वीडियो बहुत ही लेंदी हो जा रहा है, आप 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बनाए। दोस्तों ये पूरा साइंस रिपोर्टर है, ओके, ये एक कोई आर्टिकल नहीं है, एक एक साइंस रिपोर्टर में तकरीबन 17, 17, 15, 15, 10, 10, 12, 12 आर्टिकल होते हैं। इन आर्टिकल को मैं कहीं भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके 30 मिनट के वीडियो के चक्कर में हमारा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें हमने कंपाइल की हैं, जितनी भी हो सकती है मैंने मिनिमाइज कर, हाँ कोशिश ये किया है कि तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे के आसपास हो जाए, लेकिन कोशिश करते करते भी कभी ये एक मिनट पांच से पांच, एक घंटे पांच मिनट या 10 मिनट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो के लास्ट में ये बुक है साइंस टेक्नोलॉजी की, जो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। इस बुक के अंदर अगर मैं आपको एक राय दूं, तो आप पार्टिकल फिजिक्स वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना,
बाकी ऑनलाइन वीडियोस के लिए आप स्टडी आईक्यू पे मुझे फॉलो करें, मेरे पेन ड्राइव कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और एंड्रूड आईएएस में जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस हैं जो दिल्ली में मुखर्जी नगर रोड नगर में अवेलेबल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कीजिए। ओके, बाकी अगर आपके कोई जेन्युइन डिस्कशन है तो इन व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, और वीडियो ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ अवेलेबल है, बाकी ऑनलाइन के लिए स्टडी आईक्यू पे मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।